गैज यार आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद 10,000 गोल्ड में लोल इमोट मिल रहा है जी। हाँ दोस्तों चलिए परचेज करके मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। और देख सकते हैं दोस्तों फाइनली मेरे को लोल इमोट मिल गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल जीनियस फायर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्री फायर में जितने भी इमोट है सभी इमोट आपको गोल्ड से कैसे मिलेगा, और इसी के साथ साथ लोल इमोट भी मैं आपको लाइव प्रूफ परचेज करके दिखाने वाला हूँ, वो भी गोल्ड से। तो आप भी यदि से लोल इमोट लेना चाहते हो तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो। आज के इस वीडियो में ज्यादा नहीं लेकिन दोस्तों 1000 डायमंड का गिवे है, तो आप यदि गिवे में पार्टिसिपेट होना चाहते हो तो आपको अपना फ्री फायर का UID कमेंट करना होगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए गोल्ड से इमोट लेने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पर आना होगा। सेटिंग पर आप जैसे ही आएंगे तो इधर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा लैंग्वेज देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इधर आपको हिंदी देखने को मिल रहा होगा तो हिंदी को आपको सेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को सेट करने के बाद इधर ब्राउजर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो लास्ट में आपको क्लियर कैश का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से आपको 2 बार क्लियर कैच करना होगा। तो कुछ इस तरह से 2 बार क्लियर कैच करने के बाद इसके नीचे आपको सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से सेंड रिपोर्ट कर देना होगा। देख सकते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग हो रहा है और फाइनली रिपोर्ट सक्सेसफुल भी हो चुका है। इतना करने के बाद आपको लेफ्ट साइड के नीचे आना होगा नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर, और नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आते ही स्क्रोल डाउन करके नीचे आना होगा। नीचे आप जैसे ही आएंगे तो इधर आपको डायमंड मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिल होगा, ये वाला ऑप्शन ऑन होगा, इसको आपको ऑफ कर देना होगा क्योंकि हम सबको इमोट गोल्ड से परचेज करना है डायमंड से नहीं, इसी वजह से इस वाले ऑप्शन को आपको ऑफ करना होगा। इतना करने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन को कट कर देना होगा। आप जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन को कट करेंगे इसके बाद आपको कैरेक्टर को चेंज करना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। तो कैरेक्टर वाले ऑप्शन में आपको एंड्रियो को सिलेक्ट करना होगा। चलिए दोस्तों खोजते हैं कि एंड्रियो कैरेक्टर कहाँ पर है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एंड्रियो कैरेक्टर मिल चुका है। तो कुछ इस तरह से आपको एंड्रियो कैरेक्टर को सेलेक्ट करना होगा। कैरेक्टर चेंज करने के बाद आपके हाथ में कोई भी गन होगा उसको आपको अनइक्विप करना होगा। जैसे कि मेरे हाथ में पोकर MP40 है, तो चलिए इसको मैं अनइक्विप कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से गन कलेक्शन वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको गन को अनइक्विप करना होगा। इतना करने के बाद आप कट करेंगे तो आपके लोबी में यदि बैकपैक शो कर रहा होगा तो इसको भी आपको हाइड करना होगा। तो बैकपैक को हाइड करने के बाद आपको वॉल्ट में आना होगा। इसके बाद कलेक्शन पर, कलेक्शन पर आते इधर आपको बैकपैक देखने को मिल जाएगा, और इधर आते ही नीचे आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर आपको 3 ऑप्शन आएगा, 3 के 3 ही ऑप्शन को आपको अनटिक कर देना होगा। इतना करते ही आप जैसे ही बैक करेंगे तो लोई में से आपका बैकपैक हाइड हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों बैकपैक शो नहीं कर रहा है। इतना करने के बाद समझ लो आपका आधा सेटिंग कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद दोबारा से आपको सेटिंग पर आना होगा। सेटिंग पर आप जैसे ही आएंगे तो नीचे आप देखेंगे कस्टमर सर्विस का ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही राइट साइड के ऊपर आपको अपना फ्री फायर का निक नेम देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, लेकिन दोस्तों बीच में आपको सबमिट अ रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से आपको सबमिट अ रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इधर आपको एक छोटा सा हीरो देखने को मिलेगा, इस वाले हीरो पर आपको क्लिक करना होगा। देन इसके बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इधर आपको गेम कंसर्न का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो सिंपल से आपको गेम कंसर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने अपना फ्री फायर का UID देखने को मिलेगा, निक नेम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके नीचे आएंगे तो इधर आपको अपना मोबाइल और मोबाइल का मॉडल लिखना होगा। तो मेरा मोबाइल है IQ Neo 9 Pro, तो मैं अपने मोबाइल का मॉडल और नेम लिख देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको भी अपना डिवाइस एंड मॉडल लिखना होगा। तो कुछ इस तरह से लिखने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको OS वर्जन लिखना होगा। तो मेरे मोबाइल का OS वर्जन है 14, तो मैं 14 लिख देता हूँ। तो कुछ इस तरह से लिखने के बाद आप स्क्रोल डाउन करके नीचे आएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इधर प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस वाले प्राइवेसी पॉलिसी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना होगा। इतना करने के बाद स्क्रोल
डाउन करके नीचे आएंगे तो इधर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यही आपका मेन सेटिंग है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा ऑल इमोट इन 10,000 गोल्ड, तो कुछ इस तरह से आपको ध्यान से लिखना होगा। आपका एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से लिखना होगा ऑल इमोट इन 10,000 गोल्ड। कुछ इस तरह से लिखने के बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल से आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपका रिक्वेस्ट गरीना फ्री फायर के पास सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को कट कर देना होगा। कट करने के बाद आपका ट्रिक 100% कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टोर वाले ऑप्शन पर आते हैं। स्टोर वाले ऑप्शन पर आते ही आप जैसे ही कलेक्शन पर आएंगे और रिमोट वाले ऑप्शन पर, ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, फ्री फायर का जितना भी इमोट है सब इमोट हमको गोल्ड से मिल रहा है। एक नहीं, दो नहीं दोस्तों, बहुत सारा इमोट है। और इसी के साथ साथ आपको लोल इमोट भी गोल्ड में मिल रहा है। तो आप यदि लोल इमोट गोल्ड से लेना चाहते हो तो इस वाले ट्रिक को यूज करो। देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली मेरे को लोल इमोट मिल चुका है।